सिंध पुलिस में करप्शन की एक और कहानी 24 न्यूज ने बेनकाब कर दी है। आईजी सिंध की जानिब से बनाई गई कमेटी ने मनपसंद कंपनी को टेंडर जारी कर दिया। सिंध पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आईजी सिंध से जवाब तलब कर लिया है। सिंध पुलिस में करप्शन की एक और कहानी 24 न्यूज ने बेनकाब कर दी। जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे जिले हैदर से। जिले हैदर, मनपसंद कंपनी को टेंडर जारी कर दिया गया, ये माजरा है क्या? देखिए, 2 अरब रुपए का बजट रखा गया था सिंध पुलिस के लिए, जिसमें नई गाड़ियां, पुलिस मोबाइल्स हैं और इसके अलावा जो है वो जो जेल की गाड़ियां होती है वो खरीदना, उनकी मुरम्मत के लिए 2 अरब रुपए का बजट मखसूस किया गया था। लेकिन ये बजट जो है ये मनपसंद अफराद को टेंडर दिया गया, जिसके बाद सत्रा ने एक नोटिस जारी किया आईजी सिंध को, जिससे जवाब तलब किया गया है कि इस तरह की बेजाबतगियां जो है वो दीगर उसमें भी देखी गई है। इससे पहले भी एक जारी किया गया था जिसमें जो असले की खरीदो फरोख्त थी वो मनपसंद अफराद को देने का अहकाम जारी किए गए थे। तो आईजी सिंह को, एडी ख्वाजा को ये नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया कि ये जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है वो इस काबिल नहीं है, उसके जो ताके वो अच्छी नहीं है, उस पर करप्शन के केसेज हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है नई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और मुरम्मत का टेंडर जो है उन अफराद को दे दिया गया है। तो ये इसका जवाब जो है वो उनसे 3 महीने के अंदर मांगा गया है। जी जी, शुक्रिया जिले हैदर।